नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल आईक्यू क्रैकर में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रॉस ड्रेनेज के बारे में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब भी कोई हाईवे या फिर कोई रोड किसी रिवर या फिर स्ट्रीम से क्रॉस करता है, तब वहाँ पर जो है दोस्तों, हमें क्रॉस ड्रेनेज प्रोवाइड करने की ज़रूरत पड़ती है, ताकि जो रिवर या फिर जो स्ट्रीम है हमारा, उसके फ्लो पर कोई भी इफ़ेक्ट ना पड़े। और दोस्तों, जो हमारे रोड में साइड ड्रेन्स मौजूद होते हैं, उनके पानी को रोड के एक साइड से दूसरे साइड में ट्रांसफ़र करने के लिए भी हम लोग क्रॉस ड्रेन का यूज़ करते हैं। और दोस्तों, इसी तरह से अगर हम लोग कुछ फ्रीक्वेंट इंटरवल्स में क्रॉस ड्रेन को प्लेस करें, तो हमारा जो साइड ड्रेन का लोड है वो काफ़ी कम हो जाएगा, जिससे कि हमें साइड ड्रेन्स को ज़्यादा बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों, क्रॉस ड्रेनेज को प्रोवाइड करने के लिए हम लोग कई तरह के स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों, हम लोग उन्हीं स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे जो ज़्यादा यूज़ में आते हैं और एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, जो क्रॉस ड्रेनेज होता है, उसके मेनली हमारे 3 टाइप्स होते हैं। पहला है हमारा कलवर्ट्स, दूसरा है ब्रिजेस, एंड तीसरा है दोस्तों हमारा कॉजवे। तो चलिए इन तीनों को थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिर ये कलवर्ट क्या चीज़ है। तो दोस्तों, जब भी कभी हमारा रोड या फिर हाईवे किसी छोटे स्ट्रीम से जो है क्रॉस करता है, तो उस स्ट्रीम के फ्लो को हम लोग बरकरार रखने के लिए एक छोटा सा वहाँ पर क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं, जिसे हम लोग कलवर्ट्स बोलते हैं। अब दोस्तों, ये जो कलवर्ट्स है, इनका जो विड्थ होता है ना, चौड़ाई, वो 6 मीटर से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अगर ये 6 मीटर से ज़्यादा हो गया तो ये कलवर्ट्स ही नहीं रहेगा, इसे हम लोग फिर ब्रिज बोलने लगेंगे। ठीक है, तो ब्रिज और कलवर्ट बेसिकली जो है एक सेम तरह से जो है वर्क करते हैं। बस जो 6 मीटर से कम साइज़ का होता है ब्रिज, उसे हम लोग कलवर्ट बोलते हैं। 6 मीटर से ज़्यादा साइज़ हो गया तो उसे हम लोग ब्रिज में इंक्लूड करते हैं। ओके, अब दोस्तों, जो हमारे कलवर्ट्स होते हैं ना, वो कई तरह के होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले हमारा आता है स्लैब कलवर्ट, जो कि देखने में कुछ इस तरह का होता है, एंड आई एम श्योर कि आप जो है इस तरह के कलवर्ट्स को ज़रूर देखे होंगे। फिर दूसरा आता है हमारा दोस्तों आर्क कलवर्ट, जो कि देखने में कुछ इस तरह का होता है। फिर दोस्तों आता है हमारा बॉक्स कलवर्ट, जो कि इस तरह का होता है। और लास्ट में आता है दोस्तों हमारा पाइप कलवर्ट, जो कि देखने में कुछ इस तरह का होता है। इसमें बेसिकली हम लोग एक बड़ा कॉन्क्रीट पाइप जो है लगा देते हैं, और उससे जो है हमारा पानी एक साइड से दूसरे साइड में चला जाता है रोड के। ओके, तो पाइप कलवर्ट्स जो है काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। मेरे ख्याल से आप लोगों ने इसे ज़रूर देखा ही होगा, और आई थिंक कि आपके आस पड़ोस में भी एक पाइप कलवर्ट ज़रूर मौजूद होगा। और दोस्तों, यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि पाइप कलवर्ट जो है किस तरह से प्लेस किया हुआ रहता है हमारे रोड में। तो आई होप दोस्तों, आपको कलवर्ट्स के बारे में अच्छी तरह से आइडिया मिल गया होगा। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि ब्रिजेस आखिर क्या होते हैं। अब दोस्तों, जो ब्रिजेस होते हैं वो भी बिल्कुल कलवर्ट्स के जैसे ही काम करते हैं, बट ये जो है काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं कंपेयर टू द कलवर्ट्स। अब दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जब भी हमारा हाईवे किसी रिवर या फिर स्ट्रीम से क्रॉस करता है, तो वहाँ पर हमें जो है एक ब्रिज प्रोवाइड करना पड़ता है क्रॉस ड्रेनेज के लिए। अब दोस्तों, यहाँ पर हमने ब्रिजेस को क्यों बनाया, क्योंकि जो हमारा रिवर या फिर स्ट्रीम है ना दोस्तों, उसका वेड यानी कि जो चौड़ाई है दोस्तों यहाँ पर, वो 6 मीटर से ज़्यादा है। इसलिए हमें यहाँ पर ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करना पड़ा। यहाँ पर हम लोग का कलवर्ट से काम नहीं चल रहा था, दैट इज़ वाई हमें यहाँ पर ब्रिज जो है बनाना पड़ा। ओके, तो ब्रिज जो है वहाँ पर बनाया जाता है जहाँ पर हमारा वेट 6 मीटर से ज़्यादा होता है, किसका, रिवर या फिर स्ट्रीम का। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर हम लोग ब्रिज को बनाते हैं और कहाँ पर हम लोग कलवर्ट्स को बनाते हैं। अब दोस्तों, जो ब्रिजेस होते हैं वो कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग स्ट्रक्चर वाइज देखें तो ये मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है हमारा RCC स्ट्रक्चर वाला ब्रिज, एंड दूसरा है हमारा स्टील स्ट्रक्चर वाला ब्रिज। कहीं कहीं आपको वुडन स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेगा, लेकिन वो ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता है, क्योंकि उसका स्ट्रेंथ काफ़ी कम होता है, हाई बेयरिंग कैपेसिटी उसका होता नहीं है। दैट इज़ वाई हम लोग आज के टाइम पे सिर्फ RCC और जो स्टील स्ट्रक्चर ब्रिजेस है उनको यूज़ में लाते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा ब्रिजेस। आई होप आपको ब्रिजेस भी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर है जो कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों कॉजवे। अब कॉजवे क्या होता है, चलिए जान लेते हैं। कॉजवे दरअसल दोस्तों कोई रिवर या फिर स्ट्रीम्स पर नहीं बनाया जाता, इसे सिर्फ उन्हीं जगहों में बनाया जा सकता है जहाँ पर हमारा पानी रेस्ट पोजिशन में रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई बड़ा लेक हो गया,
या फिर ओशन वगैरह हो गया, हमारा जो सी होता है, ओशन होता है, वहाँ पर हम लोग कॉजवे को बनाते हैं। जहाँ पर हमारा पानी फ्लो नहीं करता है वहाँ पर हम लोग कॉजवे को बनाते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों जो हमारा कॉजवे होता है ना, वो हमारा पानी में सब इमर्ज्ड रहता है, आधा जो है वो पानी में डूबा हुआ रहता है ऑलवेज। आप मान सकते हैं कि ये दरअसल एक तरह का सॉइल एम्बैंकमेंट होता है हमारे वाटर बॉडी में, जिससे कि हम लोग वाटर बॉडी को स्प्लिट कर देते हैं दो पार्ट्स में और बीच में एक रास्ता बन जाता है जहाँ पर हम अपने व्हीकल्स को चला सकते हैं। और कई बार तो इनमें हम लोग रेलवे ट्रैक्स को भी सेटअप करते हैं ट्रेन्स को चलाने के लिए, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशंस। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि एक रेलवे ट्रैक बनने वाला है, तो रेलवे ट्रैक जब भी बनाया जाता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक सीधे लाइन पे हो। तो अगर मान लीजिए आप जो है एक हिली एरिया में रेलवे ट्रैक बना रहे हैं जहाँ पर चारों तरफ जो है माउंटेंस वगैरह है, और आप जहाँ पर बना रहे हैं जाते जाते आपको बीच में एक बड़ा लेक मिल गया, और आप जो है उसे डायरेक्टली घुमा भी नहीं सकते हैं, है ना, और घुमाएंगे तो आपको फिर पहाड़ियों से होते हुए जाना पड़ेगा, तो काफ़ी जो है आपको वहाँ पर प्रॉब्लम्स होगी। ऐसा नहीं है कि हम लोग अचानक से डिसाइड करते हैं कि अरे चलो लेक आ गया इसके ऊपर से बना देते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। ये सब दरअसल पहले से प्री प्लान्ड होता है। एक्चुअली जो रेलवे ट्रैक्स का मेन मोटिव होता है वो होता है बड़े बड़े सिटीज़ को आपस में कनेक्ट करना, और साथ ही साथ जितना हो सके उतना शॉर्टर स्पैन में कनेक्ट करना, ताकि हमें जो है लागत कम आ सके। तो इसलिए दोस्तों हम लोग कई बार ऐसा कॉम्प्रोमाइजेशन हमें करना पड़ता है जब हमें लेक के बीच से जो है रेलवे लाइन को गुजारना पड़ता है, तो उस टाइम जो है हम लोग कॉजवे को बनाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कॉजवे आखिर होता क्या है। तो दोस्तों ये थे हमारे क्रॉस ड्रेनेज के कुछ टाइप्स। तो आई होप आपको क्रॉस ड्रेनेज जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपनी तरफ से एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक का टारगेट रखते हैं 100 लाइक्स का, प्लीज़ कर देना। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, और अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए यार, कुछ नहीं जाएगा, ठीक है सब्सक्राइब करना, है ना। तो यही कहना था यार, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।